भारतवर्ष में एक ऐसे विद्वान विचारक उत्पन्न हुए जो वेदों के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने को वेदों का सबसे बड़ा भक्त माना, पर इतिहास पुराण को नकार दिया उन्होंने। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अपने आप को वेदों का भक्त कहने वाले की समझ में आई कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। वेद की दुहाई देने वाला मूर्ति पूजा का खंडन करने लग गया, वेद की दुहाई देने वाला सपिंडी कृत्य आदि का निषेध करने लग गया, वेद की दुहाई देने वाला वर्णाश्रम व्यवस्था का मनमाना स्वरूप व्याख्यायित करने लग गया, विधवा विवाह का समर्थन करने लग गया। अब विचार करो, वो हैं तो वेद के भक्त, पर ऐसी दुर्बुद्धि उनमें आई कहाँ से, क्यों आई, कैसे आई? उसका मूल कारण था उन्होंने इतिहास पुराण को आदर नहीं दिया। यदि भगवान व्यास की वाणी इतिहास पुराण का भी आश्रय लेते तो ये दुर्बुद्धि उनमें कभी ना